इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके फ्लिपकार्ट में ये फ़िल्टर जो देख रहे हैं, ये फ़िल्टर अगर वर्क नहीं कर रही है तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहें। तो जैसा कि आप पहले तो चले जाएंगे अपने प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में जाकर के फ्लिपकार्ट सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद अगर अप टू डेट की ऑप्शन होगी, अप टू डेट आया होगा तो आप इसे अप टू डेट कर लेंगे। अगर अप टू डेट नहीं आया हुआ है तो फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम का इशू निकालेंगे, इशू को सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है कि चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स में। तो ये रही सेटिंग्स। तो इस सेटिंग्स को आप जैसे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, आपको चले जाना है अपने मोबाइल में ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में। बहुत से मोबाइल में ऐप्स एंड नोटिफिकेशन होता है और बहुत से मोबाइल में ऐप्स होता है, तो आपको ऐप्स में चले जाना है और सेकंड नंबर में आपको मिल जाता है मैनेज ऐप्स। तो आपको क्या करना है, मैनेज ऐप्स में चले जाना है। जब आप मैनेज ऐप्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है फ्लिपकार्ट, जैसे आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट सर्च करेंगे तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट आ जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टोरेज आप देख रहे हैं तो स्टोरेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लियर डाटा, तो क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे, क्लियर कैच कर देंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर्स स्टॉप, तो फोर्स स्टॉप पे क्लिक करेंगे और फोर्स स्टॉप कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे क्लियर डाटा देख रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे क्लियर कैश पे एक बार क्लिक कर देंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, ऐप परमिशन है तो आपको क्या करना है, ऐप परमिशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैमरा डिने है इसका, तो इसको आप अलाउ कर देंगे। बैक आएंगे, इसके बाद कॉन्टैक्ट है इसको अलाउ कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे फाइल एंड मीडिया है इसको अलाउ कर देंगे, और इसके बाद माइक्रोफोन है इसको अलाउ कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे फ़ोन है इसको अलाउ कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे लोकेशन है और यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको भी अलाउ कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अलाउ करने के बाद आपकी ये फ़िल्टर की जो प्रॉब्लम है, ये फ़िल्टर की प्रॉब्लम बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगी, इशू हो जाएगी और ये बिल्कुल अच्छा तरह से काम करने लगेगा और आप फ़िल्टर का यूज कर सकते हैं आसानी से। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय, टेक केयर।